सर, आपके पास तो हर चीज़ का जुगाड़ रहता है, आप तो जुगाड़ किंग हैं। तो आज मैं आपसे एक जुगाड़ जानना चाहती हूँ कि जो सास बहू का हर घर में, पड़ोसियों में, मतलब हम बहुत सुनते हैं, नोक झोंक इज़ लाइक नेवर एंडिंग। सर, इस चीज़ का आपके पास कुछ जुगाड़ है? मंडल के पास जुगाड़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और हर चीज में मैं सोचता हूँ, इस विषय में भी मैंने बहुत सोच विचार किया, लेकिन इसके लिए सबको पहले अपना ईगो को पहले सेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मेल ईगो है कि हम डोमिनेटिंग हैं, हम जो बनाया, ये जो सोसाइटी बनाया, ये सोसाइटी बनाया किस तरह से कि दैट इज मेनली मेल डोमिनेटिंग के लिए। एंड उसके बाद क्या किया कि जो दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वुमेन, किसी का नाम दे दिया कुल वधू, ठीक है, किसका ऐसे ऐसे नाम दिया, तुम तो मतलब कुल वधू हो, तुम तो घर का लक्ष्मी हो, जाओ तुम घर का लक्ष्मी हो, थोड़ा बर्तन धो लो, ठीक है। तो ये सब चीज बोल के दैट इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब बताओ कि जेनरेशन बाय जेनरेशन जिसका एक्सप्लोटेशन होगा, उससे आप कितना मतलब उम्मीद कर सकता है कि बहुत अच्छा से चीजें चले। तो इसके चक्कर में क्या होता है, एक्सप्लोटेशन बंद करना बेहद जरूरी है। अभी एक्सप्लोटेशन बंद करने के लिए प्रॉपर स्टडी करके अगर आप देखेंगे कि हो क्या रहा है सोसाइटी में, किस तरह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, सास और बहू प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है उससे। आज के जमाने में जब भी आप देखोगे कि कोई बंदा जो जिसका शादी हो गया, वो अपना मम्मी पापा को देख सकता है क्या? प्रॉब्लम यहां पैदा हो रहा है कि बड़े बड़े एडुकेटेड, मेरा खुद का भी घर का, ठीक है, बाहर का, हर दुनिया में जिसका घर देखो, जिस घर में देखो कि सास बहू में एक प्रॉब्लम रहने के कारण जितना भी बुजुर्ग आदमी है, जो हमारा मतलब एज्ड दादी पर्सन है, सिर्फ दादा दादी नहीं, जो पेरेंट हमारे, जो हमारा हाँ ग्रैंड, जो हमारा जो वो है, मतलब जैसे मेरा मम्मी पापा का एज हो रहा है, तो उससे उसको हम कैसे सपोर्ट करें? अब रहना उसका बहू के साथ है, जैसे मम्मी पापा को रहना किसके साथ है, बहू के साथ है। अब उसी में ऐसे नोकझोंक है कि क्या पता है, बोलेंगे सर क्या हमेशा 100% ऐसे नहीं, 90% से ज्यादा तो प्रॉब्लम है, वो 10% और 1% जो है, 1% होगा वो एकदम उल्टा है, क्योंकि सास बहू एकदम उसके तरह मतलब माँ बेटी की तरह रह रही है, ये कहने का बात है, बट एक्चुअल में तो होता नहीं है ना। तो इसके चक्कर में हमारा पूरा जेनरेशन परेशान, सब परेशान, और सबसे ज्यादा जो आपके घर में जो सीनियर सिटीजन है, जो सीनियर पर्सन है, अगर दे आर नॉट हैप्पी, और वो हैप्पी क्यों नहीं है, क्योंकि सबका प्रॉब्लम एक ईगो में अटका हुआ है, दैट इज मेल ईगो। आप बोलेंगे सर वो मेल ईगो क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। क्योंकि अगर हम एज एन एडुकेटेड पर्सन की तरह समझे चीजों को, ये ना समझे कि बहू को, सास को माँ बोलना चाहिए, एंड उस माँ मम्मी जो जो बोल रही है उसको सुनना चाहिए। अब कुछ बंदा ये चीज फॉलो करता है, ठीक है, कुछ बंदा जैसे शादी हुआ, आप बोला नहीं मेरा मम्मी जो बोलेगी तुमको वही मानना है, तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग। और अगर एक्सप्लॉइट करोगे तो उस वो तो दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सर, उल्टा भी तो होता है कभी कभार। हाँ, कभी उल्टा भी होता है कि मम्मी को बोला जा रहा है कि बहू जो बोलेगा वो सुनना है, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन। वो एक्सप्लॉयटेशन अगर आप करोगे तो आप कभी भी एक खुश मिसाल सोसाइटी नहीं बना सकते। हर घर में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एक सोसाइटी बनाया वो गलत है, सोसाइटी ही गलत बनाया। वो दैट इज कैसे सर? सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जैसे अगर मेरा मम्मी पापा है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं उसके लिए कुछ करूं, पर मैं घर में कितना टाइम रहता हूं? प्रॉब्लम यह है कि आप घर में कितना टाइम हो, आपका घर में मम्मी पापा को देखने के लिए, अगर आप देखना चाहते हो, आपका दिल एकदम साफ है, आपका एकदम मतलब आप दिल से एकदम बहुत अच्छा हो, और आप चाहते हो कि मेरे मम्मी पापा को मैं पूरा सेवा करूं, लेकिन आप कितना टाइम रहते हो घर में? अब वहां पे बात होता है कि अगर उल्टा किया जाता, शादी
करने के बाद अगर लड़का लड़की घर में रहने लगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो सॉल्व नहीं होगा, तब वो घर जमाई वाला कंसेप्ट आ जाएगा। नहीं, वही प्रॉब्लम वहां आ रहा है ना। प्रॉब्लम इज दैट कि हम सोसाइटी में सॉल्यूशन चाहते ही नहीं है। अगेन दैट मेल डोमिनेटिंग। आप सोचो, मैंने जो अभी ऑप्शन दिया हूं कि शादी के बाद लड़के को उसके लड़की के घर में जाके रहना चाहिए, तो मतलब मातृतांत्रिक, जो पितृतांत्रिक ना हो के इसको मातृतांत्रिक बोला जाएगा। तो आप जो है माँ, जो मतलब जो है सी विल बी द डोमिनेटिंग है। आप उसके केस में वो एक्सेप्ट लुक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर कोई किसी का घर में रहता है तो उसको घर जमाई बोला जाता है ना, उसको मतलब बहुत ही लो सेंस में बोला जाता है, नॉट अच्छा सेंस में नहीं बोला जाता है, बट बेसिकली वो चीज सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि घर में वो जो उसका मम्मी पापा रहेंगे, तो घर में तो सारा दिन खाना बनाने से, खाना देने से, उसका देखभाल करने से, तो ज्यादातर काम तो वही करेंगे। मेल जो है, जैसे जो भी है, उसको बाहर जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है। लड़की को भी जा सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की सारा हमेशा घर में रहेगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि अगर उसके घर में उसका मम्मी पापा है, लड़की का मम्मी पापा है, तो उसका ये हो जाएगा, क्योंकि बंदा को जो बंदा है वो बाहर काम करता है, वो आता है, एंड मोस्टली वो अर्निंग मेंबर है, तो उसका जब अर्निंग मेंबर होगा तो उसका तो तब दिक्कत तो होगा नहीं। दूसरा बात हो रहा है, आप बोलोगे कि फिर इसका जो लड़के का मम्मी पापा क्या होगा, ये भी एक प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है, उसका मम्मी पापा क्या होगा, कि उसका मम्मी पापा उसका बहन रहेगी ना, इससे मतलब गर्ल चाइल्ड वाला प्रॉब्लम भी हाँ, बहुत हद तक आप क्या होता है कि हम सॉल्यूशन चाहते ही नहीं। हम पेपर में बता रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हो जब हो रहा है ना भाई, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। आप पूरा सिस्टम को चेंज कर दो, और सिस्टम चेंज करने के बाद आप देखो सब लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हर प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। क्योंकि उसमें जो बुजुर्ग लोग, जैसे हमारा जितना भी पढ़ा लिखा भी घर है, पढ़ा लिखा आदमी का जो घर है, वहां भी जाओ देखोगे जो जो एज पर्सन है, दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, चाहे आप बहू भी फ्रस्ट्रेटेड। तो फिर दुनिया में आपने बनाया क्या चीज, हाउ दिस सोसाइटी, जो सोसाइटी आपने बनाया तो गलत बनाया ना। फिर अब एक्सेप्ट करने का ताकत किसके पास है? हम एडुकेटेड लोग जो है वो भी नहीं सोच सकते इस बारे में, इस दिशा में। आप बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं, ये तो घर जमाई वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गया। मैं घर जमाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं कि आप जो मेल ईगो में पड़े हुए हो, उसी मेल ईगो के चक्कर में पूरा सोसाइटी बर्बाद हो रहा है। उस बर्बादी से बचाने का मैं बात कर रहा हूं, और ये समझने के लिए आज नहीं, हो सकता है 100 साल लग जाए लोगों को, हो सकता है 1000 साल लग जाए लोगों को, लेकिन आना यही है, क्योंकि फाइनली लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। हाँ, एक बंदा घर जमाई बन के चला जा रहा है, उसके घर में भी उसका बहन भी चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं पूरा सिस्टम को उल्टा करने का बोल रहा हूं, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है तो क्या हम सॉल्यूशन ना ढूंढें? हमारा जो सिस्टम ही प्रॉब्लमेटिक है तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब सॉल्यूशन ढूंढेगा कौन ना? सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ईगो को ऊपर में रख देते हैं। दिस इज आई एम द मेल पर्सन, तो मेरा ईगो सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद हम जो है इसको जो हमारा फीमेल जो पूरा कम्युनिटी है उसका हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको चाहे कितना भी नाम दे दो, कितना भी बड़ा नाम दे दो, गृह बधु घर, मैं घर का लक्ष्मी, घर का माँ, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन एक्सप्लोइटेशन के लिए आप करते हो, एंड वो चीज बंद करने के लिए दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन थिंग जो हम कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, सास बहू वाला प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। और दूसरा होता है वो तो पूरा सास बहू वाला प्रॉब्लम तो पूरा ही खत्म हो गया, और दूसरा बात हो रहा है जो मम्मी पापा को देखने वाला प्रॉब्लम है वो भी खत्म, गर्ल चाइल्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म। तो मतलब हम सोच उल्टा दिशा में सोचे तब जाके समझ में आएगा, और नहीं तो ईगो लेके सोचेंगे तो ऐसे कैसे बोल दिया। लोगों को ऐसा लगेगा कि ईगो से तो हम तो हमारा जिंदगी में क्या है, सिर्फ ईगो में ही तो हम दुख चल रहा है, हमारा लाइफ में है क्या, हम सिर्फ ईगो में बैठे हुए हैं। हमारा जो है बेसिकली हर चीज का हमारे पास प्रॉब्लम है,
और हर चीज का सोल्यूशन भी है। अब हम सोल्यूशन के तरफ ना ध्यान देके हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही बड़ा कर रहा है ड्यू टू द ईगो। तो ये जो ईगो है इसको खत्म कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जुगाड़ जो मैंने बोला कि अब से अगर हम इसको उल्टा कर दे, जो चीज से सब लोग परेशान है, सास परेशान है, बहू परेशान है, उससे बच्चे परेशान है, उससे जो बंदा है उसका माँ बाप को देख नहीं पा रहा है वो खुद परेशान है। आप बीबी को प्रायोरिटी दे कि माँ को प्रायोरिटी दे, आप जिसको प्रायोरिटी दे दूसरा वाला प्रॉब्लम। अब इसके चक्कर में आज के जमाने में जो थोड़ा सा बंदा जिसका शादी हो जाता ना, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन ही खत्म होने तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसे ही शादी हुआ, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट हो जाता है, अब बंदा फंसा दोनों तरफ, उसी का मामी है, उसी का बीवी है, अब किसको रखे और किसको किसका सुने। तो इसमें भी यह है कि अगर आपने पूरा 100% कोई भी बंदा इसमें भी इस प्रॉब्लम का अगर बोलेंगे कि इसमें सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन होगा नहीं, बट काफी हद तक ये सबसाइडेड हो जाएगा। अगर कोई बंदा कि तुम मेरा माँ हो, तुम मेरा बीबी हो, दोनों ही मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारा दोनों का बात को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद वो जजमेंट करना पड़ेगा एकदम इंडिपेंडेंट, एकदम किसी के तरफ का अनबायस्ड, एकदम अनबायस्ड होकर आपको डिसीजन लेना है। लेकिन जब अनबायस्ड होकर डिसीजन लोगे, प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, तुम्हारा बीबी को लगेगा कि नहीं मेरा बात तो सुनता ही नहीं। अब कुछ टाइम में इसको लगेगा मेरा बात नहीं सुन रहे, कुछ टाइम में बहू को लगेगा, सास खास को लगेगा कि ना मेरा बेटा मेरा ना रहा, ठीक है मुझे ही डर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बात को समझाना है कि मैं क्यों ये बोल रहा हूं। दोनों का बात सुनो, सुन के इंडिपेंडेंट एकदम अनबायस्ड तरीके से उसका डिसीजन लो। बट जितना भी डिसीजन लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। तो हमने पहले एक्सेप्ट करने का, ये बड़ा दिल से एक्सेप्ट करने का ताकत रखे कि हमने जो सोसाइटी बनाया वो गलत है, और उस गलती के कारण ये हो रहा है। बट देयर इन ट्रबल किसको क्या जाता है, सास बहू का प्रॉब्लम है, दे आर इन ट्रबल किसको क्या जाता है, हमें तो एक्सप्लॉयटेशन करना है, ठीक है। तो मेल को, मेल का डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेल लोग क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे तो एक्सप्लॉयट करना है। तो उसके चक्कर में लेकिन एक्सप्लॉयट करते रहोगे कब तक, और ये गर्ल चाइल्ड वाला प्रॉब्लम, ये सब सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये आ रहा है दैट इज द मेन इशू। क्या है मेन इशू, है कि मेल डोमिनेटिंग, मेल ईगो, इस ईगो को पहले साइड में रख दो, तभी ये बात समझो, समझ में आएगा, तभी ये वीडियो देखने का जो मकसद है, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो तभी पूरा होगा जब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे सोल्यूशन चाहिए, ईगो नहीं। पहले ईगो खत्म करेंगे तभी ये सोल्यूशन मिलेगा। एंड जिस सोल्यूशन का मैं बात कर रहा हूँ वो तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। तो एकदम सही बात है सर, मतलब अब बेटी पराया धन ना हो कि बेटा पराया धन हो। नहीं, ये धन का तो बात तो पहले छोड़े, क्योंकि अभी देखिए आपका जो मम्मी पापा का प्रॉपर्टी है उसमें लड़का लड़की का बराबर हक है, तो फिर धन कहां से हुआ, मम्मी पापा पूरा बराबर हक है ना। अब ये सिर्फ बोलने के लिए हक है, अगर आप दिल से नहीं मान रहे हो, कानून तो यही बोल रहा है, कानून के हिसाब से मम्मी जो 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 भी पेरेंट है उसका, अगर दो चाइल्ड है, बॉय है गर्ल है, जितना भी चाइल्ड है, तो उसका इक्वल उसका हिस्सा होता है। जब इक्वल हिस्सा तो प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम तो इसमें आएगा ही नहीं माँ बीच में। और दूसरा बात हो रहा है कि जैसे कोई बंदा जो काम करता है वो पैसा कमाता है, तो मम्मी पापा को पैसा भेजना कितना ईजी है। कोई अगर चाहता है कि नहीं मैं मम्मी पापा का सेवा करना चाहता हूँ, तो आपको रह के, तो आप घर में भी रह के सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि घर पे तो आप हो ही नहीं, घर में तो आप हो ही नहीं, आपका बीवी घर में रहती है, तो फिर वो तो आपका जो है, आप पैसा दो चाहे पैसा ना दो, आपका घर में तो आपका मम्मी पापा परेशान रहता ही है। आप 100 घर में स्टडी कर लो, जिसको ये वीडियो से थोड़ा सा भी ऐतराज है, इस सॉल्यूशन से थोड़ा सा ऐतराज है, आप 100 घर में अपना एनालिसिस कर लो, करने के बाद आप देखोगे कि सारा बुजुर्ग परेशान है। अब उन लोगों को ये नहीं पता कि हम क्यों परेशान है, वो सिर्फ गाली दे रहा है कि हमारा बहू ठीक नहीं है, ठीक है, तुम्हारा बेटी जिसके घर में गया वो बोल रहा है तुम्हारा बहू ठीक नहीं है।
अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम दे आर नॉट प्रॉब्लम, हमारा जो सिस्टम बनाया गया दैट इज द प्रॉब्लम। हम जितना भी एडुकेटेड हो जाए, जो भी हो जाए, चाहे कैसे भी चला जाए, तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो हमारा मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग रहेगा। अब वो बॉन्डिंग में अगर हमने ये सोल्यूशन कर दे, ठीक है, उल्टा सोल्यूशन कर दे, तो जिसके घर में मैंने देखा हुए कि जिसके घर में बेटी रहती है, ये रहती है, तो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, जितने भी घर है। हाँ, अब क्या होता है कि जो बंदा है उसको सोसाइटी में बेइज्जती झेलना पड़ता है जबकि वो सही कर रहा है। अब हाँ, दूसरा होता है कि उसका अगर मम्मी पापा का घर में देखोगे कि उसका बेटा चला गया दूसरा जगह और बेटी चला गया दूसरा घर, तो इस चीज से क्या होता है कि फिर वो जो पेरेंट है देयर लेफ्ट अलोन हो जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई दो चार लोग ऐसे करें, टोटल सिस्टम बदलना जरूरी है, टोटल सिस्टम को चेंज कर देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दो से, हाँ एक दो से शुरू करें, बट ऐसे धीरे 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 सबका ही दिमाग में आएगा, सोसाइटी हैज टू एक्सेप्ट। एंड जो बंदा जैसे अपना घर छोड़ के अपना ससुराल में जाके भी रहेंगे, उसको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा मम्मी पापा को देखने के लिए, दिस इज कैपिटलिज्म वर्ल्ड, कुछ पैसा तो आपको भेजना है। ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ, गवर्नमेंट जैसे हमारा आसाम है कुछ ऐसे, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि जो बंदा पैसा कमाता है उसका मम्मी पापा के अकाउंट में कुछ पैसा काट के दे देंगे। जो जो भी सैलरी मिलता है उसका कुछ परसेंट, जैसे 15% 20% कुछ है, जो उसको काट के उसका पिताजी माताजी के अकाउंट में चला जाएगा। तुम देखोगे नहीं देखोगे बात की बात है, तुम्हारा मर्जी, लेकिन गवर्नमेंट जो सैलरी देता है उसका इतना परसेंट उसके पास जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे टाइप का सोसाइटी बनाना बहुत जरूरी है। एंड दूसरा बात हो रहा है कि जो एडवांस कंट्रीज है उसमें क्या होता है कि एज पर्सन के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज रहते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सारे पेरेंट्स अपना जिंदगी का सब कुछ निचोड़ के बच्चे के लिए दे देते हैं, जो एडवांस कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि वो एडवांस कंट्री को देखता है बहू भी कि जब वहां पे पेरेंट्स को नहीं देखा जाता है तो मैं क्यों देखूं। भाई वो जो कैपिटलिज्म वर्ल्ड में जो सिस्टम बना रखा है वहां पे उसका जो कंट्री का सिस्टम है, उसका कंट्री का जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट एज पर्सन के लिए सफिशियंट फैसिलिटीज, चाहे मेडिकल हो, चाहे उसका जैसे ब्रिटेन है उसमें जैसे ठंड होता है, तो एज पर्सन के लिए कंबल आ जाता है भाई गवर्नमेंट की तरफ से। आपने गवर्नमेंट का कभी सुना कि इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसे किया? ठीक है, कोई चाहे वो जितना भी गरीब हो उसके लिए कंबल गवर्नमेंट नहीं देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसको किसको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है? बच्चे के ऊपर। और वो इतना गरीब रहा क्यों? क्या वो सारा जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाए थे? नहीं, वो सारे पैसा अपना बच्चों में इन्वेस्ट कर देता है, और वो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये बच्चे बड़ा होके हमारा सेवा करेगा, सहारा बनेगा। ठीक है, तो ये जो सहारा बनेगा, ये सिस्टम पहले समझना जरूरी है ना। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे बोल दिया कि चलो ऐसे कर लो। सारी चीज मैंने स्टडी किया हूँ, स्टडी करने के बाद जो समझ में आया कि इसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन यही है जो मैंने अभी बताया। एंड उसके बाद क्योंकि हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, बट हम खुद से तो कर सकते हैं ना। अब खुद से जब कर सकता है तो हमारा बच्चे एडुकेटेड हो, लड़की लड़का को सेम वैल्यू दिया जाए, सेम प्रायोरिटी दिया जाए, प्रॉपर्टी में पूरा आधा आधा हिस्सा हो। अब वो बंदा जो आज मतलब ससुराल में जाके रह रहा है, वो बंदा जब बूढ़ा होगा तो उसका भी बेटी तो उसके घर में रहेंगे, तो उसका भी तो फिर जिंदगी में जो बुढ़ापे में जाके सहारा तो मिलेगा ना। मतलब प्रॉब्लम है सिर्फ हम सोचते हैं कि भाई मैं तो अभी जवान हूँ, सारा जिंदगी भर मैं जवान रहूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जो सिस्टम अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाए, एंड हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो पेरेंट्स है, इंडियन जो पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट को देखो ना, मतलब खुद एक बटन वाला मोबाइल लेकर घूमेंगे, अपना बच्चे को जो है सबसे पहले स्मार्टफोन दिलाएंगे, मतलब अपना जिंदगी में सारे खुशियां तैग करके बच्चे को पलता है। ये इंडियन सोसाइटी में है और ये रहेगा, दिस इज वेरी गुड थिंग। बट इस गुड थिंग का जो बैड इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है बुढ़ापे में सारे पर्सन,
ना गवर्नमेंट उसको देख रहा है, ना बच्चे उसको देख रहा है। गवर्नमेंट नहीं देख रहा है तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, बच्चे नहीं देख रहा है वो हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम। अब वो सोसाइटी का प्रॉब्लम वो भी समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। फिर ऐसे दुखी दुखी होके दुखी होके एक दुख मिसाल जिंदगी का अंत हो रहा है। अब ना बच्चे कुछ बोल पाते हैं क्योंकि बुजुर्ग है भाई, हम बच्चे के लिए सारे किए हैं। ठीक है, दे आर हैप्पी कि मेरा बच्चे बहुत अच्छा कर रहा है तो इसलिए मैं देख के मैं खुश हो रहा हूँ। भाई वो खुश हो नहीं रहा है, वो दुखी है, प्रॉब्लम वो दुखी है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, वो बच्चे के लिए बच्चे के सामने कुछ कर नहीं पाता है। फिर उसको पता है कि बच्चे कुछ बोलने जाएंगे बहू से झगड़ा होगा, उससे अच्छा है कि हम ना बोले तो हम ही वो परेशानी झेल ले। तो इसलिए जो बुजुर्ग है दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी मच मतलब प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है, लेकिन ये सोल्यूशन आने में जितना जल्दी हम लोग समझ जाएंगे, जितना जल्दी हम ईगो को सबसाइड कर पाएंगे, उतना जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ जाएगा एंड जुगाड़ बंडल का ही लगेगा। फाइनली भी इस विषय में भी, चाहे नौकरी का विषय हो, चाहे कंप्यूटर डिवीजन का विषय हो, चाहे गेट हो, आईएएस हो, एंड चाहे इस सोशल इशू का जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं इसका सोल्यूशन हो, तो जुगाड़ मंडल कहलाएगा। ये जुगाड़ मैंने अभी बनाया बता पाया क्योंकि हमने इसमें ऐसे सोच पाया, हमने मेल ईगो को साइड कर पाया, तब मैं बता पाया। तो जो लोग सुन रहे हो, अगर आप अपना ईगो को साइड कर पाओगे तब आप समझ पाओगे, एंड आपने आसपास में 10 फैमिली को अगर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा मंडल जो बोल रहा है वो सही सोल्यूशन है। इसलिए खुश रहे और मंडल का जो जुगाड़ है इसमें सोच विचार करें, इस दिशा में हम लोग सोसाइटी को लेके जाएं।